अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किचन विद आपी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने किचन में बनाएंगे ऑमलेट सैंडविच। ये सैंडविच बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक अंडा, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट लिया है, नमक का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और 2 ब्रेड स्लाइस जिसके साइड्स हमने काट लिए हैं। और अब अंडे में हम प्याज डालेंगे, और अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटे हुए टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, और इन इंग्रेडिएंट्स को अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप इसमें नमक और मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। और अब ऑयल डालेंगे और इसमें अंडा डालेंगे। यहाँ हमने ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा डाली है क्योंकि हम इसी ऑयल में ब्रेड को भी टोस्ट कर लेंगे, और हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसे इतना ही कुक कर लेंगे। ऑमलेट अब रेडी है, और इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी ऑयल में हम ब्रेड स्लाइस टोस्ट कर लेंगे, और आप ब्रेड स्लाइस को बटर में भी टोस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, ये सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये इजी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। और अब ये दोनों साइड से टोस्ट हो गए हैं, हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। और अब सैंडविच को रेडी करते हैं, और अब हम स्लाइस पर टोमेटो केचप लगाएंगे। आप मायोनीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और टोमेटो केचप को स्लाइस पर स्प्रेड कर देंगे, और दूसरे स्लाइस पर भी टोमेटो केचप लगा लेंगे। और अब हम इस पर ऑमलेट रखेंगे, और दूसरे स्लाइस से इसे कवर कर देंगे, और इसे 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपके ऑमलेट सैंडविच कैसे बने। और अब ऑमलेट सैंडविच बिल्कुल रेडी है। ये सैंडविच बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।